वो तो बाहर छोड़ के दो तीन बार गए फिर आए अपने सर, तो उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम। वैसे तो सबको अपना अपना अधिकार है। जेडीयू ने पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की छुट्टी तय कर दी है। नीतीश कुमार ने शनिवार को स्पष्ट कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं भी जाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। नीतीश कुमार इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह दिया कि पहले भी वो छोड़कर बाहर चले गए थे, उनकी क्या इच्छा है ये तो वही बता सकते हैं। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि पता चला कि बीमार हैं, लेकिन कहीं जा रहे हैं तो चले जाएं, वे स्वतंत्र हैं। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच का रिश्ता अजीब। कुशवाहा जी की नजदीकी बढ़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी को कह दीजिए हमसे बतिया ले। वो तो बाहर छोड़ के दो तीन बार गए फिर आए अपने सर, तो उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है। अभी तो उनकी तबीयत खराब हमको पता चला है, तो हम तो बाहर है, हलचल ले लेंगे। लेकिन अब जो कोई बात आ रही है, वैसे तो सबको अपना अपना अधिकार है। देखिए हमको जानकारी नहीं है कि उनका कुछ अभी हाल ही में मिले हैं, तब पक्षी में बोल रहे थे, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो हमको नहीं पता, पूछ लेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे आएंगे तो पूछेंगे। दोनों कई बार साथ और अलग हुए हैं। 2007 में भी जब उपेंद्र कुशवाहा को जनता दल यूनाइटेड से बर्खास्त कर दिया गया था, तब उन्होंने 2009 में राष्ट्रीय समता पार्टी की स्थापना की थी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने तत्कालीन महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल के समर्थन से बनी राष्ट्रीय समता पार्टी का विलय कर 2009 में नीतीश कुमार के साथ आ गए। इसके बाद 2013 में एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा के नीतीश कुमार के बीच दूरी बढ़ी। तब उन्होंने जेडीयू से ये कहकर इस्तीफा दिया था कि नीतीश मॉडल फेल हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ तक कह दिया था कि नीतीश कुमार अपनी सरकार को अपनी मर्जी से चलाते और जनता दल यूनाइटेड को उन्होंने पॉकेट के संगठन में बदल दिया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।